कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था, तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम था देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है, और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है, और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है, स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी।